जून से जारी असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद काफी पुराना है, जिसने अब हिंसक रूप धारण कर लिया है। आपको बता दें कि इस हिंसक झड़प के चलते 6 जवान शहीद हो चुके हैं। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट करते हुए दी। उन्होंने कहा कि मुझे ये सूचित करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि असम मिजोरम सीमा पर हमारे राज्य की बॉर्डर की रक्षा करते हुए असम पुलिस के 6 बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। आपको बता दें कि असम और मिजोरम के सीमा विवाद काफी पुराना है, जिसमें दोनों ही राज्य अपने अपने तर्क देते हुए नजर आते हैं। असम सरकार का कहना है कि पहला वार मिजोरम की तरफ से हुआ। असम के पुलिसकर्मी सुबह से वहां मौजूद थे और वह मिजोरम के नागरिकों से आग्रह कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी नागरिकों ने उन पर हमला बोला, जिसके कारण 6 जवानों की जान गई। तो वहीं मिजोरम सरकार का कहना है कि असम पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे और उसके बाद असम की ओर से गोलीबारी की गई, जिसके जवाब में ये सब हुआ है। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि असम पुलिस ने नागरिकों पर लाठी चार्ज भी किया है और आंसू गैस के गोले भी दागे हैं, जिसके चलते कई नागरिक घायल भी हुए हैं। दोनों ही असम और मिजोरम अपना तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस सीमा विवाद पर बैठक भी की थी, जिसमें स्थिति को बेहतर करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस झड़प के बाद दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री ने आपस में बात की है और यह आश्वासन दिलाया है कि जल्द ही सीमा पर शांति बहाल होगी। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ।